नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को आप बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, समझना, उसके बाद आप इसे फॉलो करना। आपने दोस्तों ये तो बहुत अच्छे से जाना है, समझा होगा, माना होगा कि दूध एक रत्न है। दूध 14 रत्नों में से एक रत्न है। दूध से ही दही, घी वगैरह, मक्खन वक्खन जो भी चीजें बनती है, जो हम देवताओं को भोग लगाते हैं, दूध से ही ये सारी चीजें बनती हैं। दूध का प्रतिदिन यदि आदमी नियम से सेवन करता है तो उसके शरीर में हजारों ऐसे रोग हैं जो उसके शरीर के अंदर एंटर नहीं होते हैं। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर के अंदर बल रहता है, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहता है। दूध के सेवन करने मात्र से देवताओं को भी यदि आप कच्चे दूध का भोग लगाते हैं तो आपको ढेरों पुण्य मिलते हैं। स्पेशली शिवजी की और माता लक्ष्मी की पूजा में यदि आप कच्चा दूध उन्हें अर्पित करते हैं, हमेशा आपका भाग्य चमकता है। दूध दोस्तों जुड़ा हुआ है चंद्र से, चंद्र जुड़ा हुआ है आपके मन से। बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुनना, ठीक है? चंद्र जुड़ा हुआ है आपके मन से। आपका मन ही है जो आपको हर चीज के लिए प्रमोट करता है। डू दिस, डू दैट, ये करना है, वो करना है, जो भी करना है। आपका मन यदि आपके साथ में है तो आपका काम बहुत बढ़िया होता है। यदि कोई भी व्यक्ति बेमन का कोई काम करता है तो उसके काम में मजा नहीं आती है, काम बिगड़ ही जाता है। ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बराबर। अब दोस्तों गुरु के साथ, सॉरी चंद्र के साथ यदि आप गुरु को मिला दें, गुरु ग्रह जुड़ा हुआ है हल्दी से, बराबर, हल्दी से और भी तमाम पीली चीजों से। हल्दी दोस्तों बहुत ही पावरफुल चीज है जो आपके गुरु को प्रसन्न कर देती है। गुरु प्रसन्न हुए मतलब आपके लाइफ में मान सम्मान आपको मिलना शुरू हो जाता है, हर जगह आपको सक्सेस मिलने लग जाती है। शादी ब्याह का कोई भी काम हो अटकता नहीं है, आपके घर परिवार में खूब खुशियां रहने लग जाती है, डिसिप्लिन रहने लग जाता है और पूरे परिवार का मान सम्मान बढ़ता है। हल्दी जुड़ी है गुरु से, दूध जुड़ा है चंद्र से। यदि ये दोनों ही चीज को आप मिला देते हैं तो चंद्र और गुरु का जहां मेल होता है वहीं पर गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग जहां पर भी बनेगा, जिस व्यक्ति की कुंडली में बनता है, वो व्यक्ति लोगों से अलग ही होता है। जहां पाव रखेगा वहां उसे विजय मिलती है। और हल्दी दोस्तों ऐसे भी लक्ष्मी प्रदान है, तो गुरु के तो इसके अंदर लक्षण है ही है, लेकिन आपकी लाइफ में लक्ष्मी का भी आविर्भाव होना शुरू हो जाता है। तो आपको सप्ताह में दो दिन, सोमवार, फिर से बता दूं, सोमवार और गुरुवार, सोमवार का दिन जो जुड़ा हुआ है चंद्र से, दूध से, आपके मन से, बराबर, एक चीज बिल्कुल आपने पकड़ ली, प्लस उसमें आपने हल्दी मिला दी, मतलब कि गुरु आपके, आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति, आपके मस्तिष्क का पावर, मन और दिमाग, बुद्धि दोनों का जबरदस्त समन्वय देखने के लिए मिलेगा। दूध में थोड़ी सी आप हल्दी मिलाएं, सुबह या शाम या जब भी दिन में आपको दूध पीना हो, थोड़ी सी नाम की आप हल्दी डालें और फिर उसे पिए। और गुरुवार के दिन भी आपको सेम ऐसा ही करना है, यही चीजें। गुरुवार आपकी जो हल्दी है उसको और ज्यादा प्रबल बनाएगा, साथ में दूध मिला हुआ है मतलब कि ये आपके मन को तुरंत टच करेगा। सेम ऐसा ही सोमवार के दिन होगा। ये दोनों ही चीजें जुड़ी हुई है, हल्दी और दूध, चंद्र से, गुरु से। तो सप्ताह में दो दिन, सोमवार, चंद्रवार और गुरुवार, यदि ये दो दिन आप दूध में हल्दी मिला करके पीते हैं, आपकी लाइफ में सच में पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, आपका मान सम्मान बढ़ने लग जाएगा। जो बच्चे बहुत ज्यादा जैसे धमाली है, शिस्त में नहीं रहते हैं, पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है, उन्हें तो अवश्य ही आप ये दूध दें,
वैसे भी आपने सुना होगा हल्दी वाला दूध जो लोग पीते हैं स्वास्थ्य के लिए भी, मतलब ये दूध बहुत ही अच्छा होता है, एंटीबायोटिक काम करता है और शरीर के लिए भी बहुत पावरफुल होता है। लेकिन वो तो चलो हम शरीर को लेकर के बात करते हैं, हम अध्यात्म की दृष्टि से, क्योंकि वो जो दूध बनाया जाता है उसमें हल्दी डाल करके दूध को पकाया जाता है। मैं आपको इस टाइप से नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, दूध में जरा सी हल्दी डाल देनी है और उसको मिक्स कर देना है और उसको पिए सिर्फ 2 दिन सप्ताह में, रिजल्ट देखे दोस्तों, सच में आपका भाग्य चमक जाएगा। करते हैं, खुश रहें, जय श्री कृष्ण।